तो सारे ने कहते दिल से राम राम, हेलो हाय सलाम सत श्री अकाल। वीडियो शुरू करने से पहले आज का सवाल दोस्तों, आपको क्या लगता है जो Redmi K20 K20 Pro आने वाले हैं इंडिया के अंदर, क्या वो वन प्लस को टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? जो भी आपके विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप जीत सकते हैं पेटीएम कैश वाउचर 100 to 500 रुपीज का। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि Redmi K20 और K20 Pro जो है वो चाइना में लॉन्च हो चुके हैं, पहली सेल भी जा चुकी है, 2 लाख से ऊपर यूनिट्स जो है वो सेल की गई है पहले ही वीक में, जो कि कमाल की बात है, और आपको बहुत जल्दी इंडिया के अंदर ये दोनों ही डिवाइस देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं इन दोनों डिवाइस को लेकर, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन सोनू सोपल पूछ रहे हैं, भाई क्या Redmi K20 Pro इंडिया में Poco F2 ड्रोन बनकर आएगा या Redmi के ही नाम से आएगा? तो दोस्त आपने अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि बहुत ज्यादा र्यूमर्स जो है, बहुत सारे लोग और बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो ये बोल रही थी कि भाई Poco F2 और Poco F2 Pro बनकर ये डिवाइस आने वाला है। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर Redmi एक अलग से सब ब्रांड है और Poco एक अलग से सब ब्रांड है, दोनों ही Xiaomi के बैनर के नीचे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी ऑफिशियल टीजर्स आए हैं, चाहे वो ट्वीट्स लगा लीजिए, चाहे वो टीजर्स लगा लीजिए, या फिर बड़े बड़े शहरों में होल्डिंग्स लग चुकी हैं, सबके सब में Redmi की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, कहीं पर भी आपको Poco की ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर मनु कुमार जैन ने भी बिल्कुल कल जो है वो ट्वीट कर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है, स्टार्टली सुपीरियर टू द लेटेस्ट वन प्लस, इफ यू लाइक दिस बनी एड्स Redmi K20 K20 Pro कमिंग सून द फ्लैगशिप किलर 2.0। तो यहाँ पर क्लियर किया गया है, यहाँ पर वो वन प्लस 7 को ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने जितनी भी इमेजेस लगाई हैं अपने ट्वीट में, आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी होर्डिंग्स हैं वो वन प्लस 7 प्रो की एड्स हैं उसके साथ में लगाई गई है, और यहाँ पर क्लियरली उनको ट्रोल किया गया है, स्टार्कली सुपीरियर टू द लेटेस्ट वन। अब स्टार्कली क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो वन प्लस 7 में ये शख्स खड़ा हुआ है, ये भाई टोनी स्टार्क है, इनका एक किरदार है आयरन मैन 3 में जिनका, जिसमें इसका नाम है टोनी स्टार्क। तो इन्होंने एक तरह से इसको ट्रोल किया है और बताया कि आपसे सुपीरियर हमारा डिवाइस होने वाला है। और यही आज का क्वेश्चन था भाई, आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दो, क्या ऐसा होने वाला है, क्या आपको लगता है कि ये बीट कर पाएगा वन प्लस 7 को? अब देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि एड्स पर तो बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है यहाँ पर Redmi ने, या फिर Xiaomi ने, जो भी कह लीजिए, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो ज्यादा ना कर दे इन एड्स के चक्कर में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए Redmi K20 K20 Pro की इंडिया के अंदर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम ऑफिशियल लीक्स, ऑफिशियल टीजर्स की होर्डिंग्स की बात करते हैं, तो कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये फोन Poco F2 Pro के नाम से आएगा, क्योंकि Poco का तो कोई टीजर कहीं पर भी कोई जिक्र अभी तक नहीं हुआ। और यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब ये भी निकल जाता है कि यानी कि Poco F2 आपको बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, उसके लिए आपको काफी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जल्दी आ जाता है तो यहाँ पर टक्कर किसके साथ होगी? उसकी खुद ही Redmi के K20 Pro के साथ होगी, और Xiaomi कभी नहीं चाहेगा कि उसके दो ब्रांड आपस में एक ही चीज के लिए फाइट करें। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर है कि ये फोन आपको Redmi K20 Pro के नाम से ही देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर इमरान खान पूछते हैं, भाई और भी काफी भाइयों ने पूछा है यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में कि Redmi K20 Pro इंडिया में कब लॉन्च होगा, और यहाँ पर IMX586 और IMX582 में क्या डिफरेंस है, कौन सा सेंसर बेटर है, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि Redmi K20 के अंदर IMX Sony 582 है, और जो Redmi K20 Pro है उसके अंदर Sony IMX586 है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सोनी का IMX586 है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, और वो थोड़ा सा डाउनग्रेड है 582 की अगर मैं बात करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि 582 की इमेजेस जो है वो आपको बेकार देखने को मिलेगी 586 के मुकाबले। देखिए ये दोनों ही चीज़ें हार्डवेयर है, ठीक है, जो कैमरा सेंसर है वो एक हार्डवेयर है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। जी हाँ, पोस्ट प्रोसेसिंग कैसी है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कैसी है जो ब्रांड उसको लेकर आ रहा है, और वहाँ पर कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया गया है जो कि उसकी इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, तो सेंसर से ज़्यादा डिपेंड करता है पोस्ट प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन को। तो दोनों में ही आपको बड़ी तगड़ी जो है वो आपको टक्कर देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको दिन रात का फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन ऑन पेपर हार्डवेयर की करता हूं तो ऑन पेपर सोनी IMX586 जो है वो थोड़ा सा बेटर यहां पर दिखाई देता है। तो अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर अजर मलिक पूछते हैं, Redmi K20 K20 Pro में फेस अनलॉक है क्या? क्योंकि अभी तक कोई भी वीडियो नहीं आया जिसमें दिखाया गया है, और इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ग्लास है फ्रंट और बैक में, या इंडियन वर्जन में फेस अनलॉक होगा या नहीं होगा? तो मेरे भाई बिल्कुल सही बात कही है आपने, आपका एक मिनट देखने के बाद मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, कहीं पर भी फेस अनलॉक नहीं दिखाया गया है Redmi K20 K20 Pro के अंदर। और फाइनली मुझे एक वीडियो ऐसी मिल गई, लाइफ ऑफ द गेमर एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये Redmi K20 Pro का स्क्रीनशॉट है, और यहाँ पर आप देखते हैं कि कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है फेस अनलॉक का। साथ ही साथ आपको Redmi Note 7 Pro का मैं एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर फेस अनलॉक का फीचर है और यहाँ पर नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको जो इंडियन वर्जन आएगा या फिर जो चाइनीज वर्जन है उसके अंदर आपको फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलेगा। K20
क्या बात होता है, कई बार कंपनी जो है वो कुछ अपडेट्स जो है वो रोक लेती है और कुछ ऑप्टिमाइजेशंस का इशू होता है जिनकी वजह से वो कोई फीचर जो है वो बाद में दे देती है, क्योंकि फेस अनलॉक कोई इतना बड़ा हुआ नहीं रह गया, कोई इतना बड़ा फीचर नहीं रह गया, एक छोटे से सॉफ्टवेयर से जो है वो फेस अनलॉक उसके अंदर आपको अपडेट के थ्रू दे सकते हैं। और भाई हम इंडियंस को तो सब कुछ चाहिए, चाहे हमें फेस अनलॉक की जरूरत है या नहीं है, फीचर होना चाहिए फोन के अंदर, काम आए या नहीं आए। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी की पूरी उम्मीद है कि आपको जो इंडियन वर्जन आएगा उसके अंदर आपको फेस अनलॉक ऑलरेडी इंस्टॉल देखने को मिलेगा, और अगर नहीं आया तो हमें एक डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फेस अनलॉक आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और आपके लिए फेस अनलॉक कितना मायने रखता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यहाँ पर समीर मित्तल लिखते हैं कि हैशटैग स्वैगंट, मुझे DSLR लेवल कैमरा चाहिए फोन में, बेस्ट कैमरा फोन बताओ, बजट नॉट एन इशू। तो भाई बजट अगर इशू नहीं है तो हुआवे का P30 Pro और सैमसंग का S10 Plus जो है वो आप कंसीडर कर सकते हो, दोनों ही जबरदस्त कैमरास आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप थोड़ा सा लिमिटेड खर्च करना चाहते हैं, 30-35 हज़ार के आसपास खर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पर Asus Zenfone 6 आ रहा है जहाँ पर 48 मेगापिक्सल का आपको फ्लिप कैमरा देखने को मिलेगा, वही आपका सेल्फी कैमरा बन जाएगा, वही आपका रियर कैमरा बन जाएगा। और यकीन मानिए मैंने उसके कैमरे को टेस्ट किया है, कैमरे को देखा है, और बड़े गजब का जो है परफॉर्मेंस वहां पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर करण शंडल पूछते हैं, स्वैगंट भाई, आई एम ए हैवी यूजर एंड आई एम ए हैवी गेमर आल्सो, विच वन शुड आई बाय, रियलमी 3 प्रो, नोट 7 प्रो, M30 और वेट फॉर अनदर डिवाइस। भाई M30 को तो आप बिल्कुल हटा दीजिए यहाँ पर, उसके अलावा देखिए अगर आपका बजट सिर्फ 14,000 के आसपास है तो आप यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन GPU क्योंकि रियलमी 3 प्रो का थोड़ा ज्यादा पावर है गेमिंग के लिए, तो यहाँ पर गेमिंग के लिए मैं इन दोनों में से अगर रिकमेंड कर रहा हूँ 3 प्रो को आपको कर सकता हूँ। और अगर आप वेट कर सकते हैं, अगर आप या फिर आपको वेट नहीं करना तो पोको F1 भी ऑप्शन है, उसका भी काफी प्राइस कम हो गया, ऑनर प्ले भी ऑप्शन है अगर आप एक हैवी यूजर हैं या फिर आप एक हैवी गेमर है। लेकिन अगर लेटेस्ट फोन्स की बात करता हूं तो आप रियलमी 3 प्रो को कंसीडर कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं, रेडमी K20 आपको इसी महीने इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर विशाल शर्मा पूछते हैं कि भाई स्वैगंट, क्या कंपनी हमें जैसे रियलमी 3 प्रो में एक साल पुराना प्रोसेसर दिया है अच्छी प्राइस में, तो क्या इस तरह से वो अपने किसी फोन में स्नैपड्रैगन 845 को यूज कर सकती है? भाई स्नैपड्रैगन 855 जो है वो लास्ट ईयर ही आ गया था और 845 बहुत पुराना हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले किसी भी ब्रांड का जो फ्लैगशिप होगा वो स्नैपड्रैगन 845 के साथ आएगा। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा, जितने भी आपको फ्लैगशिप फोन देखने को मिलेंगे स्नैपड्रैगन 855 के साथ ही देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपको रियलमी के आए, चाहे वो आपको देखें अगर मैं Asus की बात करूँ तो आपको 855 पर ही सभी फोन देखने को मिलने वाले हैं अगर मैं फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की बात करता हूँ। उसके बाद रत्नेश सर पूछते हैं, भाई मेरे मामा को फोन लेना है, बजट है 10,000 मैक्सिमम, तो प्लीज 10,000 में आज के डेट में सबसे बेस्ट फोन सजेस्ट कीजिए। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मैं आपको देना चाहूंगा, रियलमी U1 या फिर जो रेडमी नोट 7S आया है, इन दोनों फोन्स को आप कंसीडर कर सकते हो, दोनों में ही आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों अब बारी है लास्ट वीडियो के गिव अवे के विनर की, जहां पर हम देते हैं पेटीएम कैश। तो यहां पर विनर है इंद्रजीत बोस, जो सैमसंग M40 के बारे में पूछा था और रैंडम कमेंट टिकर से इनका नाम आया है। तो इनको करना क्या है, मुझे मेल करना है और अपने इस कमेंट के नीचे आपको अपना ईमेल एड्रेस जो है वो वेरिफिकेशन के लिए यहां पर नोट डाउन कर देना है, लिख देना है। और दोस्तों आज जो पूछा है उसका क्वेश्चन का जवाब आप यहां पर दे सकते हैं, आपको बताया और आप जी सकते हैं 100 से 500 रुपए का पेटीएम कैश। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि काफी बार क्या हो रहा है कि यूट्यूब के नोटिफिकेशन नहीं जा रहे पा रहे हैं, तो इसलिए इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लीजिए। रिजल्ट जो है वो मैं दोनों ही पर ही पोस्ट करूंगा, यहां पर वीडियो में भी और यहां पर इंस्टाग्राम पर भी। और काफी लोग ये होते हैं यार, काफी लोग एक दो बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने प्राइज जीत लिया लेकिन उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया है, वो नेक्स्ट वीडियो नहीं देखते हैं, तो स्टे ट्यून्ड रहेगा चैनल के साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।